17 अक्टूबर को धनतेरस है। दोस्तों, इस बार धनतेरस मंगलवार के दिन है। हिंदू धर्म में दोस्तों धनतेरस का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, धनतेरस छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन कोई सामान लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन या धन्वंतरी त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती भी मनाया जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद के देवता के जन्मदिवस के रूप में भी धनतेरस को मनाया जाता है। इस दिन गणेश लक्ष्मी घर लाए जाते हैं। दोस्तों, इस दिन कोई भी किसी को उधार नहीं देता है। दोस्तों, मंगलवार के दिन धनतेरस होने से आपको अपनी भाग्य चमकाने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है। आपको इस दिन कुबेर भगवान, जो धन के भगवान होते हैं दोस्तों, उनको खुश करने का आपके पास विशेष मौका है। भगवान कुबेर धन के देवता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कुबेर स्वयं देवताओं को भी धन की पूर्ति करते हैं। भगवान कुबेर को दोस्तों एक बार आपने अगर खुश कर दिया तो समझिए आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। धन संबंधी आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, मंगलवार के दिन एक छोटा सा दीपक आपकी किस्मत बदल देगा। उसके साथ लौंग का उपाय आपके भाग्य को चमका कर रख देगा। दोस्तों, धनतेरस के रात को आपने नहा धोकर एकदम स्वच्छ हो लेना। दोस्तों, स्वच्छ होने के बाद आपने भगवान हनुमान के आगे एक तेल का दीपक लगा देना है। दोस्तों, दीपक लगाने के बाद उस तेल के दीपक में आपने एक लौंग डाल देनी है। उसके बाद आपने भगवान हनुमान को हाथ जोड़कर भगवान हनुमान की आरती उतारनी है। और उसके बाद दोस्तों आपने कुबेर भगवान के आगे एक दीपक जलाकर, दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, हाथ जोड़कर आपने भगवान हनुमान के आगे आराधना करनी है और भगवान कुबेर के आगे आपने हाथ नहीं जोड़ना है। दोस्तों, मन्नत मांगते वक्त हाथ कभी नहीं जोड़े जाते, बल्कि दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़कर अपनी हथेलियों को चंद्राकार बनाकर दोस्तों कुबेर भगवान के आगे अपनी जो भी इच्छा हो वो इच्छा आप कुबेर भगवान को बता दें। उसके बाद दोस्तों आपने बैठकर हनुमान जी का, दोस्तों हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लेना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती है और भगवान कुबेर दोस्तों इतने प्रसन्न होते हैं जो आपको प्रसन्न होकर धन संबंधी समस्याओं से मुक्त कर देते हैं और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।